हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं संदीप अरोड़ा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय संदीप अरोड़ा में। तो स्टूडेंट कैसे हो आप सब, ठीक हो, घर पे हो और स्टडी कर रहे हो, है ना। ऐसा ही है, पढ़ रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, ये उम्मीद करता हूं मैं, क्योंकि अभी फ्री हो आप घर पे और कोई काम नहीं है तो आप स्टडी को टाइम टू टाइम करते रहें, आपका ही बेनिफिट है इसमें, ठीक है। तो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स से बात कर रहा हूं मैं, ये खासकर वीडियो उन्हीं के लिए बनाई है मैंने। जैसा कि आपको पता है, पहले भी हमने वीडियो बनाई है, आपका 10th चैप्टर कंप्लीट किया और अब 11th चैप्टर हमने शुरू कर रखा है। 11th चैप्टर की दो वीडियो मैंने बना दी है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। और 11th चैप्टर जो था आपका वो था इन्फ्लेशन, यानी फर्स्ट पार्ट में हमने जाना इन्फ्लेशन मीनिंग और उसके टाइप्स, सेकंड पार्ट में हमने जाना थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। अब इसके बाद कुछ और पार्ट है इसका, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर हम ये जानने वाले हैं नेक्स्ट, एक तो आपका ये आता है कॉजेस, रीजन, वो आप खुद रीड कर लेना, बिल्कुल इजी सा ही है। मेन जो इसके अंदर आता है आज हम हमारी इस वीडियो में जानने वाले हैं इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी जो हमारी मुद्रास्फीति है इसका प्रभाव किन किन के ऊपर पड़ता है और कैसा पड़ता है किस, क्योंकि बहुत सारे वर्ग होते हैं और डिफरेंट वर्ग के ऊपर इसका जो मुद्रास्फीति का प्रभाव है डिफरेंट टाइप्स का पड़ता है, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो उससे पहले मैं अगर आपको कह दूं कि अगर आप ये हमारी वीडियो देख रहे हो और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल का बटन भी दबा देना ताकि आने वाली जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो। इसके अंदर जैसा कि आपको पता है हम अफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन को जानने वाले हैं, यानी मुद्रास्फीति के जो प्रभाव हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वैसे तो सिंपल वे में हम कहें, जैसे हमने जाना था इन्फ्लेशन के बारे में, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग और हाइपर इन्फ्लेशन, ये टाइप्स के अंदर हमने जाना था। तो बेसिक सा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है यानी रेंगती हुई जो मुद्रास्फीति है उसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो हमारी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद ही होती है, उसका किसी भी प्रकार का हमारी इकोनॉमी पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां तक कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने यह भी कहा है कि जो रेंगती हुई मुद्रास्फीति होती है वो आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए या प्रोडक्शन के लिए सहयोगी है, उपयोगी है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, प्रोडक्शन को, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का काम करती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। लेकिन जो दूसरी इन्फ्लेशन है वो जब बढ़ती हैं, जैसे हम बात करें वॉकिंग, रनिंग या प्राइसेस बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, तो वो इन्फ्लेशन जो है वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, बहुत सारा प्रभाव डालती हैं। तो वो किस प्रकार का प्रभाव है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट वर्ग के ऊपर इस इन्फ्लेशन का इफेक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में हमें जानना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहला पहला जो पॉइंट है हमारा अफेक्ट का वो ये है, एक होता है ऋणी और एक होता है ऋणदाता, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो चीज जानने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना है बच्चों आपको, यानी एक होता है ऋणी ऋणी और एक होता है ऋणदाता ऋणदाता। यानी सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको कहूं, ऋणी कौन सा होता है जिसने उधार पैसा लिया हुआ होता है, और एक होता है ऋणदाता। ऋणदाता वो होता है जो ऋण देने वाला होता है, जो ऋण देने वाला होता है। अब इसके अंदर हमें यह देखना है कि ऋणी को फायदा होगा इन्फ्लेशन का या ऋणदाता को फायदा होगा, वो चीज हमें देखनी है। ऋणी वो जिसने ऋण ले रखा होता है, और एक होता है ऋणदाता जिसने ऋण दिया हुआ होता है। तो देखिएगा, ऋणी जिसने पैसा उधार लिया हुआ होता है और ऋणदाता जिसने पैसा उधार दिया हुआ होता है। तो ध्यान रखना आपको बच्चों, जो ऋणी होता है जिसने पैसा उधार लिया होता है उसको मुद्रास्फीति का बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है? बेनिफिट, यानी उसको फायदा
प्रॉफिट होता है, उसको लाभ होता है, किसको, जिसने पैसा उधार ले रखा होता है। और जो ऋण दाता है ना, जिसने ऋण दिया हुआ होता है, पैसा उधार दिया होता है, उसको क्या होता है, लॉस होता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। वो कैसे, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ए ने बी को दिए 2000 रुपए। कितने रुपए दिए? 2000 रुपए। तो इसमें क्या हो गया, ए ने बी को 2000 रुपए दिए। ए जो हुआ वो कौन हुआ, ऋणदाता, ऋणदाता। और बी क्या हुआ, ऋणी। बी क्या हुआ, ऋणी, ठीक है। और वो भी कितने वर्ष के लिए दिए, एक ईयर्स के लिए दिए, एक साल के लिए दिए, ठीक है। अब सपोज करो क्या होता है, एक साल बीत गया, अब बी को पैसा चुकाना है, किसको, ए को। बी को पैसा वापस देना है, किसको, ए को। लेकिन एक भी चीज है इसके अंदर, जब एक साल पहले ए ने बी को पैसा दिया था, उस समय उस 2000 रुपए का 40 क्विंटल गेहूं आता था। कितना आता था, 40 क्विंटल गेहूं आता है। लेकिन एक साल बीत गया, उसके बाद जब बी ने ए को पैसा लौटाना है, उस समय अगर हम देखें कि जो गेहूं है उसकी कीमत हो गई डबल, उसकी कीमत कितना हो गई, डबल। तो अब कितना आएगा, 2000 रुपए का 20 क्विंटल गेहूं आएगा। तो अब उस पैसे का ए कितना खरीद सकता है, 20 क्विंटल। लेकिन जब दिया था उस समय कितना खरीद सकता था, 40 क्विंटल। तो इसका जो नुकसान है वो किसका हो गया, ऋणदाता को इसका बहुत ज्यादा लॉस हो गया। कितना, 20 क्विंटल का। और ऋणी जो था उसको 20 क्विंटल का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ऋणी जो है उसको बेनिफिट होता है और ऋणदाता को लॉस होता है। ये पहला पॉइंट क्लियर होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, अफेक्ट ऑन इन्वेस्टर्स, अफेक्ट ऑन इन्वेस्टर्स। सेकेंड पॉइंट है अफेक्ट ऑन इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, जो निवेश करता होते हैं ना उनके ऊपर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उससे पहले आप एक को एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, वो क्या है कि जो इन्वेस्टर्स है ना वो भी टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। एक फर्स्ट तो वो होते हैं जिन्होंने बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या फिक्स रिटर्न की, फिक्स रिटर्न की कुछ और प्रतिभूतियां परचेज की हुई होती हैं। फर्स्ट टाइप के वो होते हैं, इन बॉन्ड्स, डिबेंचर और फिक्स रिटर्न वाली जो प्रतिभूतियां उनको परचेज किया होता है। इनके ऊपर क्या होता है, इनको फिक्स रिटर्न मिलता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, इनको फिक्स रिटर्न दिया जाएगा। और सेकंड होते हैं जो हिस्सेदार होते हैं कंपनी के, जो शेयर होल्डर होते हैं, जो क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स, यानी जिन्होंने शेयर्स परचेज कर रखे होते हैं। क्या परचेज कर रखे होते हैं, शेयर्स। इसका शेयर्स जो परचेज करते हैं तो उसका मतलब क्या है, अगर कंपनी को प्रॉफिट तो शेयर होल्डर को भी प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ या कंपनी को लॉस हुआ तो इनको क्या होगा, लॉस होगा, डिविडेंड कम मिलेगा इनको। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर देखना है इनको फायदा होगा या इनको फायदा होगा, एक चीज ध्यान रखनी है। अब ध्यान दीजिएगा, इन्फ्लेशन जब आती है यानी प्राइसेस जब बढ़ते हैं, प्राइसेस जब बढ़ते हैं ना तो प्रोड्यूसर या जो कंपनी होती है, कंपनी होती है, उनके प्रॉफिट क्या है, उनके प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो प्रोड्यूसर कंपनी के प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, और प्रॉफिट बढ़ने पर जो सेकंड जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयरधारी होते हैं, उनको तो डिविडेंड ज्यादा मिल जाता है, बट जो फर्स्ट टाइप के जो डिवेंचरधारी हैं, बॉन्डधारी हैं, उनको तो फिक्स रिटर्न मिलेगा, उनको कंपनी के प्रॉफिट के ज्यादा होने का कोई भी पार्ट नहीं दिया जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है, फर्स्ट टाइप के जो बॉन्डधारी, डिवेंचरधारी या फिक्स रिटर्न के जो भी प्रतिभूतियां उन्होंने खरीदी हुई होती हैं, उन धारकों को इसका फायदा नहीं होता, उनको इसका क्या होता है, नुकसान होता है। बट जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको मुद्रास्फीति का बेनिफिट मिलता है। ओके, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ये था इसका सेकंड पॉइंट। उसके बाद आता है अफेक्ट ऑन फिक्स सैलरी क्लास, अफेक्ट ऑन फिक्स सैलरी क्लास, फिक्स सैलरी क्लास। यानी जो निश्चित आय वर्ग वाले लोग होते हैं ना उनके ऊपर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है, वो चीज हमने जाननी है। तो निश्चित आय का मतलब क्या है, उनको फिक्स सैलरी मिलेगी, चाहे कीमतें बढ़े चाहे कीमतें कम हो, उनको कोई मतलब नहीं है। अगर किसी का कोई, इसके अंदर ये मान लीजिए कोई क्लर्क है या कोई टीचर है या कोई डॉक्टर है,
सेक्टरा जो फिक्स रिटर्न फिक्स सैलरी वाले होते हैं उनको जो है मुद्रास्फीति का नुकसान उठाना पड़ता है, उनको मुद्रास्फीति का हानि होती है मुद्रास्फीति से, उनको ये चीज आपने ध्यान रखनी है। वो कैसे, अगर इनको अगर ये मानिए कि फिक्स सैलरी मिलती है 10,000 रुपए पर मंथ, 10,000 रुपए पर मंथ इनमें से जो फिक्स है, चाहे क्लर्क है, चाहे टीचर है, चाहे डॉक्टर है, उनको फिक्स सैलरी हमने मान ली कितना मिल रही है 10,000 पर मंथ, लेकिन अगर प्राइसेस बढ़ जाए तो वो कम खरीद पाएंगे इस 10,000 में। सपोज करो उनको गेहूं खरीदना था, तो गेहूं 10,000 रुपए में पहले सपोज करो 20 रुपीज पर यूनिट था, तो इसका कितना खरीद पाते थे, वो 5 क्विंटल खरीद पाएंगे, कितना खरीद पाते थे 5 क्विंटल, लेकिन हो गया अब ये कितना 40 रुपए पर केजी हो गया। इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस जो हैं गेहूं के बढ़ गए, कितना हो गए 40 रुपए पर केजी, तो अब वो कितना खरीद पाएंगे 2.5 क्विंटल, कितना खरीद पाएंगे 2.5 क्विंटल खरीद पाएंगे। तो इनको नुकसान होता है किसको, जो फिक्स सैलरी धारक होते हैं, निश्चित आय वर्ग वाले लोग होते हैं, उनको मुद्रास्फीति का नुकसान उठाना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स, अफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, अफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर, या हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर उद्यमी, यानी उत्पादक जो होते हैं या उद्यमी जो लोग हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है मुद्रा स्फीति का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी प्रोड्यूसर हैं उनको मुद्रा स्फीति का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। वो कैसे, क्योंकि मुद्रा स्फीति के अंदर क्या होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं, और प्राइसेस बढ़ने पर जो प्रोड्यूसर लोग हैं, प्रोड्यूसर जो लोग हैं, उत्पादक जो हैं, उनके प्रॉफिट जो है ना वो ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि प्रोड्यूसर को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना आपने कि अगर हम ये देखें कि प्रोड्यूसर के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, और प्रोड्यूसर के प्रॉफिट जो बढ़ रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो हम उसके फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स को भी ज्यादा रिटर्न देना पड़ता है, जैसे लेबर को वेज जाना देनी पड़ती है, कैपिटल को इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है, इस प्रकार उनको ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन वो जो बढ़ता है वो कम मात्रा में बढ़ता है, लेकिन उनके जो प्राइसेज है वो ज्यादा मात्रा में बढ़ते हैं, इसीलिए जो प्रोड्यूसर है ना वो प्रॉफिट में ही रहते हैं, वो किस में रहते हैं, प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरा हम कहें कि कच्चा माल जो है ना वो उन्होंने पहले से स्टॉक किया होता है, सस्ते दाम पर लिया हुआ, तो उनकी कॉस्ट कच्चे माल के ऊपर वैसी की वैसी रहती है, लेकिन जो प्राइसेज है ना वो ज्यादा उसके बढ़ जाते हैं, मजदूरी की वृद्धि हुई वो भी उसकी तुलना में कम होती है। तो ये चीज ध्यान रखने की प्रोड्यूसर को इसका बेनिफिट ही मिलता है। उसके बाद आता है बच्चों अफेक्ट ऑन एग्रीकल्चरिस्ट्स, अफेक्ट ऑन एग्रीकल्चरिस्ट, या हम कह सकते हैं अफेक्ट ऑन फार्मर्स, अफेक्ट ऑन फार्मर्स, फार्मर्स जो होते हैं, किसान जो लोग होते हैं या कृषक जो होते हैं उनके ऊपर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो फार्मर हैं या जो हम जिसको एग्रीकल्चरिस्ट भी बोलते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट, ये जो है ना प्रोड्यूसर की श्रेणी में ही आते हैं, किसके अंदर आते हैं, प्रोड्यूसर, क्यों भी ये भी फसलों का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो प्रोड्यूसर को जो बेनिफिट होता है तो एग्रीकल्चरिस्ट और फार्मर्स को भी मुद्रास्फीति का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, इसके प्रॉफिट भी बढ़ते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है उनकी फसलों के प्राइस बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार एग्रीकल्चरिस्ट जो फार्मर्स हैं, जो अपनी वस्तुएं बना रहे हैं, अपनी फसलों की पैदावार कर रहे हैं, उनकी फसलों के दाम भी बढ़ जाएंगे। सो इसीलिए एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर किसानों को मुद्रास्फीति का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि उनके प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अफेक्ट ऑन मिडिल क्लास, अफेक्ट ऑन मिडिल क्लास, अफेक्ट ऑन मिडिल क्लास, यानी जो मध्यम वर्ग है उसके ऊपर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे जो ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना मुद्रास्फीति का वो किसके ऊपर पड़ता है, मध्यम वर्ग के ऊपर पड़ता है।
क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो मध्यम आय वर्ग वाले लोग होते हैं ना, उनको अपना लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होता है और उनके जो आय के स्रोत होते हैं, इनकम के जो सोर्स होते हैं ना, वो फिक्स से होते हैं। अगर एकदम से प्राइसेस बढ़ जाएं तो वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन इजिली नहीं कर पाते हैं। उनको अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, अपने जीवन स्तर को एक बिल्कुल वैसे का वैसा रखने के लिए क्या करना होता है, पुराने कर्जे जो पुरानी बस्ते हैं उनको खर्च करना पड़ता है या कर्ज लेना पड़ता है, किसी से उधार लेकर अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ता है, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी है। तो आप ये भी कह सकते हो कि मुद्रास्फीति का जो सबसे ज्यादा प्रभाव है, सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो मध्यम आय वर्ग पर पड़ता है। क्लियर हुआ? उसके बाद नेक्स्ट आता है अफेक्ट ऑन सेविंग। अफेक्ट ऑन सेविंग यानी जो हमारी बचतें हैं, बचतों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, बचतों के ऊपर, सेविंग के ऊपर भी मुद्रास्फीति का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो हमारी सेविंग्स हैं मुद्रास्फीति के आने से बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं, बहुत ही कम हो जाती हैं। वो कैसे? क्योंकि पहले जो वस्तु, जो गुड्स हमने खरीदनी थी, उसको कम पैसे लगाकर हम खरीद सकते थे और कुछ सेविंग कर लेते थे। लेकिन अब जो है ना, वो गुड्स महंगी हो गई है और महंगी होने पर भी वो वस्तु जब हम खरीदते हैं तो हमारे पास पैसा बचेगा नहीं, हम बचत नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बचत के ऊपर मुद्रास्फीति का जो प्रभाव है बहुत बुरा पड़ता है। वो बचतों को कम करने का काम मुद्रास्फीति करती है। क्लियर हुआ? उसके बाद आता है अफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। अफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, अफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार पर जो प्रभाव है वो कैसा पड़ता है। जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, उसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, यानी इन्फ्लेशन जो है वो रोजगार को बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है। तो ध्यान रखना है आपको, इन्फ्लेशन जो है ना, वैसे देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का काम करती है, रोजगार को बढ़ाने का काम करती है। एक साइड इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो दूसरी साइड रोजगार बढ़ रहा होगा। वो कैसे? क्योंकि प्रोड्यूसर के प्राइस बढ़ गए, और प्रोड्यूसर की जब प्राइस बढ़ते हैं तो उनके प्रॉफिट बढ़ते हैं, और प्रॉफिट बढ़ने पर वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्या बढ़ पाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो इसका इफेक्ट है ना, वो पॉजिटिव पड़ता है। अगर हम सिंपल वे में देखें तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का काम करती है कौन, इन्फ्लेशन। लेकिन कई बार क्या होता है, सिद्धांत सुनिएगा, कई बार क्या होता है कि जब प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, प्राइसेस जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इन्फ्लेशन की वजह से, तो उस समय क्या होता है, बहुत सारे लोग अपनी डिमांड कम कर देते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, इतनी इनकम नहीं होती है कि वो उन गुड्स को खरीद लें, जिससे क्या हो जाता है, डिमांड कम हो जाती है, और डिमांड कम होने से ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, और ओवर प्रोडक्शन की समस्या की वजह से ओवर प्रोडक्शन नहीं करना पड़ता। जब ओवर प्रोडक्शन नहीं करना पड़ता तो एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो कम हो जाता है। तो कई बार इन्फ्लेशन से एम्प्लॉयमेंट कम भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट केसेस में प्राइसेस के बढ़ने पर, इन्फ्लेशन के बढ़ने पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इफेक्ट ऑन बीओपी, बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान शेष के ऊपर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखना आपको, सबसे पहले तो हम ये जाने कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो एक सिंपल वे में मैं आपको बताऊं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, भुगतान शेष क्या है। एन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एक अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो वो चीज कैसे है? अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बराबर है तो बैलेंस रहता है, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम है तो सरप्लस में है, लेकिन एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है तो डेफिसिट में चला जाता है, क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी। तो इन्फ्लेशन से क्या होता है, जब एकदम से इन्फ्लेशन आई, प्राइसेस बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़े, और प्राइसेस जब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ेंगे तो बहुत सारा माल विदेशों से भी हमारे यहाँ पर इंपोर्ट होना शुरू हो जाता है, उससे हमारे देश के इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाते हैं और एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो उस वजह से हमारे जो बीओपी के अंदर क्या आ जाता है, डेफिसिट आ जाता है, बीओपी में घाटा आ जाता है, जो एक देश के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी है। तो बीओपी के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है किसका, इन्फ्लेशन का। उसके बाद आता है
अफेक्ट ऑन पब्लिक डेट्स, अफेक्ट ऑन पब्लिक डेट्स। यानी सार्वजनिक ऋण जो होते हैं उनके ऊपर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक ऋण यानी हमारे से भी गवर्नमेंट जो है आम जनता से भी ऋण लेने का काम करती है, वो ऋण बढ़ते हैं या कम होते हैं उनके बारे में जानना है। तो जब एकदम से इन्फ्लेशन आती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, प्राइसेस के बढ़ने से क्या होगा, प्राइसेस जब बढ़े तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रही होती है, बहुत सारा उनका भी काम एक्सपेंडिचर के रूप में खर्चा हो रहा होता है। लेकिन जब प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो उनका एक्सपेंडिचर पहले से बढ़ जाएगा। जब उनका एक्सपेंडिचर पहले से बढ़ जाएगा, रेवेन्यू कम रह जाएगी, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो उनके पास बजट की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए वो अपने बजट की कमी को पूरा करने के लिए आम जनता से ऋण लेना शुरू कर देगी। तो कहने का मतलब उस समय पब्लिक डेब्ट जो है सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि हो जाएगी। यानी इन्फ्लेशन आने की वजह से जो पब्लिक डेब्ट है, सार्वजनिक ऋण है, वो बढ़ जाते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बैंकों और बीमा कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी अफेक्ट ऑन बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज कंपनीज जो बैंक्स हैं या बीमा कंपनी है उनके ऊपर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान से देखिएगा कि जब प्राइसेस बढ़ गए, इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर आ गई, अब इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर है तो सिंपल सी बात है, जो प्रोड्यूसर है वो प्रॉफिट में है, और जब वो प्रॉफिट में है तो वो ज्यादा मात्रा में क्या लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, उनकी ट्रांजैक्शन बढ़ेंगी, तो बैंकों का काम बढ़ेगा और बैंक बेनिफिट में चले जाएंगे। दूसरा, जब एकदम से उद्योगपति बढ़ेंगे, उद्योग लगाएंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, तो वो इंश्योरेंस भी उनका कराएंगे, क्योंकि उसके अंदर रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि एकदम से प्राइसेस बढ़े हुए हैं, उस समय जो कंपनी लगेगी, फैक्ट्री लगेगी, उसके अंदर रिस्क ज्यादा होगा, और जब रिस्क ज्यादा होता है ना, तब लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इंश्योरेंस का काम भी बढ़ जाएगा, इंश्योरेंस यानी बीमा कंपनियां भी फायदे में होंगी। तो कहने का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन की वजह से बैंक और बीमा कंपनियों को फायदा होता है, बेनिफिट मिलता है। उसके बाद आता है अफेक्ट ऑन टैक्सेस, अफेक्ट ऑन टैक्सेस, अफेक्ट ऑन टैक्सेस। अब इसके अंदर क्या होता है, अब जब देखिए इन्फ्लेशन आ गई, मार्केट के अंदर प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, अब गवर्नमेंट का भी खर्चा बढ़ गया है, और गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, उसको ऋण लेने तक की नौबत आ गई है, तो वो क्या करेगी, टैक्सेस की मात्रा को बढ़ा देगी ताकि उनकी रेवेन्यू बढ़ सके। तो आपने ध्यान रखना है, इन्फ्लेशन के टाइम जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाने की कोशिश करती है ताकि रेवेन्यू बढ़ सके, नए नए कर लगाती है और पुराने करों में भी वृद्धि कर देती है। तो ये चीज किसकी वजह से आई, इन्फ्लेशन की वजह से आती है। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल एंड राशनिंग, कंट्रोल एंड राशनिंग। यानी क्या होता है, जब मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करना है इन्फ्लेशन को, तो गवर्नमेंट उसमें क्या करती है, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम भी कई बार करती है, गवर्नमेंट को खुद इसके ऊपर इंटरफेयर करना होता है, इसको कंट्रोल करने का काम करना पड़ता है। वो कैसे, प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा, राशनिंग के द्वारा, कोटा सिस्टम के द्वारा, वो इन प्राइसेस को बढ़ने से क्या करती है, रोकती है, उचित मूल्य की दुकानें खोलेगी, राशनिंग की व्यवस्था करेगी, कीमत संयंत्र को अपनाने के लिए कहेगी, कीमत संयंत्र बनाएगी। तो ये चीज भी इन्फ्लेशन के समय में गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये इफेक्ट किस वजह से आया, इन्फ्लेशन की वजह से आया। उसके बाद आता है नेक्स्ट अफेक्ट ऑन रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्सेज एलोकेशन, यानी साधनों के बंटवारे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, साधनों का जो बंटवारा होता है ना उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, किसका, इन्फ्लेशन का। वो कैसे पड़ेगा, अब ये देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे किसी भी गुड्स की प्राइस बढ़ गई, किसी भी गुड्स की अगर हम माने कि प्राइस बढ़ गई, तो उस समय साधनों के बंटवारे में भी चेंज करना पड़ता है, रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है उसके अंदर परिवर्तन करना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ता है।
वो कैसे? अब जिस गुड्स की प्राइस बढ़ी है उसकी डिमांड तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि उसकी डिमांड कम हो जाएगी, वो चीज महंगी हो गई है और लोगों के बस की बात नहीं है उसको खरीदना, तो उस समय क्या होगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसका प्रोडक्शन तो कर दिया जाएगा कम, लेकिन उससे जो रिलेटेड गुड्स होगी उसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि लोग महंगी वस्तु को नहीं खरीदेंगे, उसकी डिमांड कम हो जाएगी और उसका प्रोडक्शन कम कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी जो रिलेटेड गुड्स है या हम कहते हैं उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्यों? अब जैसे सपोज कीजिए जो कार गाड़ियां लग्जरी गाड़ियां हैं, जैसे हम कहते हैं कोई भी गुड्स है, जैसे कार, उसकी प्राइस बढ़ जाती है, कार वगैरह की प्राइस बढ़ी तो उसका जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम, तो उसका प्रोडक्शन क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। लेकिन कार का जो सब्स्टिट्यूट है लाइक बाइक है, स्कूटर है, उसकी डिमांड बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो उनका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है और जिनकी प्राइस बढ़ी है उनका प्रोडक्शन कम करना पड़ता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि साधनों का बंटवारा भी चेंज हो जाता है, बदल जाता है। उसके बाद आता है मोरल इफेक्ट्स। मोरल इफेक्ट्स, मोरल इफेक्ट्स, नैतिक प्रभाव भी बहुत सारे पड़ते हैं। अब नैतिक प्रभाव कैसे, बहुत सारा इसके अंदर बुराइयां फैल जाती हैं, जो जो लोग हैं, बहुत सारे जो प्रोड्यूसर लोग हैं, सेल्समैन जो लोग हैं, दुकानदार जो लोग हैं, वो मिलावट खोरी, क्योंकि प्राइसेस बढ़ चुके हैं और वो प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता, तो वो मिलावट खोरी को और या स्टॉकिस्ट घर में स्टॉक करने लग जाते हैं, मिलावट करने लग जाते हैं, या इस प्रकार की और भी बहुत सारी जो ठगी बजारी का काम है वो शुरू हो जाता है जब इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर आ जाती है। तो ये भी बहुत बुरा प्रभाव है जो हमारी सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर पैदा हो जाता है। तो क्लियर हुआ? तो ये था बच्चों, इतने से प्रभाव आपने मुद्रास्फीति के जानने हैं जो हमारी इकोनॉमी के ऊपर इन्फ्लेशन प्रभाव डालती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन के जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं इनको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि टाइम टू टाइम स्टडी करते रहें, आपका ही बेनिफिट है, बार बार कह रहा हूं, आपका ही बेनिफिट है। लॉकडाउन के दौरान अच्छी सी तैयारी आप कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।